हेलो दोस्तों, एवली निगमा में आपका फिर से स्वागत है। हमारी वीडियो EWF 513 को आप सभी लोगों ने बहुत पसंद किया और इसी को देखते हुए हम प्लेन पर एक और वीडियो बना रहे हैं। आप लोगों ने कभी सोचा है कि अगर किसी प्लेन का फ्यूल 41,000 फीट की ऊंचाई पर ख़त्म हो जाए तो क्या होगा? आइए दोस्तों, देखते हैं क्या हुआ इस फ्लाइट के साथ और कैसे पायलट की सूझबूझ से इस सिचुएशन को संभाला गया। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ये बात है 23 जुलाई 1983 की, जब एक फ्लाइट जिसका नाम एयर कनाडा 143 था, ये एक पैसेंजर फ्लाइट थी जिसकी जर्नी मॉन्ट्रियल से एडमोंटन तक की थी। किसी को पता नहीं था कि ये मामूली सा दिन इतना खास और इस प्लेन की जर्नी इतनी मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल बन जाएगी। इस फ्लाइट की कमान बॉब पियर्सन और मॉरिस क्विंटल के हाथ में थी। दोनों ही काफ़ी एक्सपीरियंस्ड पायलट थे। ये दौर इसलिए भी जाना जाता है क्योंकि इस समय यूनिट मेजरमेंट सिस्टम की कन्वर्जन अपने पहले शुरुआती चरण में था। प्लेन ने अच्छे से उड़ान भरी, सब कुछ सही था, लेकिन जब प्लेन 41,000 फीट की ऊंचाई पर था तब प्लेन के अंदर खराबी शुरू हुई। सबसे पहले कंट्रोल पर दिखा कि एक इंजन पूरी तरह से आउट ऑफ फंक्शन हो गया और उस पर पायलट ने अपना कंट्रोल खो दिया। उसी के बाद सेकंड इंजन ने भी काम करना बंद कर दिया। परेशानियां बढ़ती जा रही थी। इलेक्ट्रिसिटी पावर भी प्लेन के अंदर उड़ चुकी थी। उसी की वजह से इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले इंस्ट्रूमेंटल डिस्प्ले बंद हो गए थे। जो भी इंफॉर्मेशन प्लेन को एयर ट्रैफिक कंट्रोल से मिलती है वो भी बंद हो गई थी। अंदर बैठे सभी यात्री शांत थे क्योंकि उन्हें इस प्रॉब्लम के बारे में बताया ही नहीं गया ताकि वो लोग पैनिक ना हों। अब इस प्लेन को बचा सकती थी एमरजेंसी लैंडिंग, और इसी का फैसला दोनों पायलट ने मिलके लिया। डिसाइड हुआ कि एमरजेंसी लैंडिंग विनीपैग एयरबेस पर होनी चाहिए, लेकिन फ्यूल इंडिकेटर से अंदाजा लगाया गया कि वहां तक प्लेन नहीं पहुंच पाएगा, तो एमरजेंसी लैंडिंग कहीं पास ही करनी होगी। मॉरिस की ट्रेनिंग गिमली एयरबेस पर हुई थी और वो पास ही था, तो एमरजेंसी लैंडिंग वहीं करने का फैसला लिया गया। पर यहाँ आया एक ट्विस्ट, वो ये कि गिमली एयरबेस अब रेसिंग ट्रैक बन चुका था जहाँ पर उस दिन भी रेसिंग चल रही थी। जैसे जैसे प्लेन नीचे आ रहा था पायलट्स को रेसिंग ट्रैक दिखने शुरू हो रहे थे, और पायलट्स को पता तब चला कि अब गिमली एयरबेस एयरबेस नहीं रहा, वो एक रेसिंग ट्रैक बन चुका है। पर एमरजेंसी लैंडिंग अब ज़रूरी थी क्योंकि प्लेन की फंक्शनिंग आउट ऑफ कंट्रोल होती पायलट्स को नज़र आ रही थी। प्लेन के लैंडिंग गियर्स अगले टायर्स को ग्रेविटी ड्रॉप की मदद से बाहर निकाला गया, लेकिन प्लेन की खराब फंक्शनिंग के कारण लैंडिंग गियर्स हवा में झूलने लग गए। लेकिन किस्मत चाहे कितनी बुरी हो, हौसले बुलंद हो तो चट्टाने भी तोड़ी जा सकती हैं। उस दिन भी ऐसा हुआ। पायलट्स को ट्रैक के पास एक खाली ट्रैक दिखा जहां पर किस्मत से ना तो कोई गाड़ी थी और ना ही कोई इंसान। नीचे ट्रैक पर आते ही जो फ्रंट लैंडिंग गियर्स थे जो हवा में थे वो वापस अंदर हो गए और राइट गियर्स भी टूट गए, लेकिन प्लेन के जमीन पर घिसटने की वजह से प्लेन की स्पीड कम हो गई और थोड़ा आगे घिसटते हुए प्लेन रुक गया। इस फ्लाइट में 61 पैसेंजर थे और 8 क्रू मेंबर्स। किस्मत इन सभी की अच्छी थी कि किसी की मौत नहीं हुई, पर 10 लोगों को हल्की फुल्की चोटें आईं। लेकिन सवाल ये था कि आखिर प्लेन में ऐसी खराबी क्यों हुई? जब इंस्पेक्शन हुई तो पता चला एक छोटी सी गलती ने इतने बड़े हादसे को अंजाम दे दिया। दरअसल प्लेन में 22,300 केजी का फ्यूल डलना था, पर फ्यूल इंडिकेटर खराब होने के कारण इस अंदाजे को मैन्युअली लगाया गया और 22,300 केजी की जगह 22,300 एलबीएस फ्यूल भर दिया गया, जो लगभग रिक्वायर्ड फ्यूल से हाफ फ्यूल था। लेकिन सवाल ये उठता है कि फ्यूल इंडिकेटर खराब था तो इस प्लेन को आगे टेक ऑफ के लिए क्यों भेजा गया? इस प्रॉब्लम को ठीक क्यों नहीं किया गया? एक बहुत बड़ा हादसा होते होते पायलट्स ने बचा लिया। इस सिचुएशन में पायलट्स की सोच ने ही यात्रियों की जान बचाई। आप लोगों का क्या मानना है इस घटना के बारे में? क्या इस घटना को रोका जा सकता था? हमें कमेंट में जरूर बताएं। और भी मिस्टीरियस वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।